एवरीवन एंड वेलकम टू क्रश मैथमेटिक्स। कंटिन्यू करेंगे हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था और सीखी थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने नहीं देखी तो उन्हें देखिए। और कंटिन्यू करेंगे आज हम चैप्टर को मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस के साथ, जिसमें हम ग्राफिकल मेथड का पार्ट 1 आज पढ़ने वाले हैं। सॉल्यूशंस यानी हमारे लीनियर इक्वेशंस के जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज। तो आज के इस वीडियो में यानी ग्राफिकल मेथड पार्ट 1 में हम अपनी इक्वेशन के लाइंस की नेचर के हिसाब से जानेंगे उनके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी उनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे और कितने होंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो आपको हेल्प करेगी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 2, 3 और 6 करने के लिए। शुरू करते हैं। आपके सामने चार चीजें लिखी हुई हैं, टाइप्स ऑफ लाइन, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और नेचर ऑफ इक्वेशन। इन चार चीजों के बीच में हम आज डिस्कशन करेंगे और इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। आपके हिसाब से कितनी तरह की लाइन बनेंगी? मेरे हिसाब से दो लाइन जो एक दूसरे के ऊपर हो। ठीक है, दो लाइन जो एक दूसरे के ऊपर बनी हो, यानी कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलेंगे उन्हें? कोइंसिडेंट लाइंस, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के ऊपर बनी हो, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ऐसी लाइंस का हर पॉइंट एक दूसरे से मैच करता है, यानी पहली लाइन का हर पॉइंट दूसरी लाइन के कोरिस्पोंडिंग पॉइंट से मैच करेगा, ऐसी लाइंस को कहते हैं हम कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, दूसरी तरह की लाइन होती है आपकी पैरेलल लाइन। कैसी लाइन? पैरेलल लाइंस जो आप पढ़ चुके हैं कि कभी मीट नहीं करती। ठीक है, इनके कोई भी पॉइंट्स मीट नहीं करता। कोइंसिडेंट लाइंस में आपका हर पॉइंट मीट कर रहा होता है, पैरेलल लाइन में कोई भी पॉइंट मीट नहीं करता। थ्रो आउट उनका डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, और लास्ट है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्ट का मतलब है एक दूसरे को काटना। तो ऐसी लाइंस जिसमें केवल एक पॉइंट कॉमन हो, यानी वो एक दूसरे को कट कर रही हो, ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हमारे पास ये तीन तरह की लाइंस होती हैं। एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, अगर कोई लाइंस पैरेलल नहीं है और हल्का सा बेंड हो रही है, तो ध्यान रखिएगा हम यहाँ पर लाइंस की बात कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट की नहीं। तो ये लाइन आगे एक्सटेंड होगी और कहीं ना कहीं पर मीट करेगी। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। ये तीन तरह की ही लाइंस होती हैं जो आपको देखने को मिलेंगी हर सिचुएशन में। पहली आपकी कोइंसिडेंट लाइन, जिसमें हर पॉइंट एक दूसरी लाइन के कोरेस्पोंडिंग पॉइंट से मीट करेगा। दूसरी आपकी पैरेलल लाइंस, जिसमें कोई भी पॉइंट मीट नहीं करेगा। और इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसमें केवल एक पॉइंट मीट करता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास लाइन ही हो। हमारे पास, क्योंकि इक्वेशंस का चैप्टर है, तो हमारे पास हमेशा इक्वेशंस होंगी, पेयर ऑफ इक्वेशंस होगा। तो उन पेयर ऑफ इक्वेशंस की हेल्प से हम कैसे पता करेंगे कि हमारी लाइन कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है? तो वो बताते हैं हमारे कोएफिशिएंट्स। क्या बताते हैं हमारे कोएफिशिएंट्स? कोएफिशिएंट्स का रेशियो। सपोज अगर आपकी लाइन कोइंसिडेंट है, तो उस केस में आपके दोनों पेयर का, आपके जो पेयर है उसकी दोनों लाइंस के रेशियोज इक्वल होंगे। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। इसके एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो रेशियो हमें बताएंगे इक्वेशन से कि हमारी लाइन कैसी है, उनका रेशियो हमें बताएगा। अगर रेशियो सेम है, जैसे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो हमारी लाइन कैसी होगी, यानी हमारी इक्वेशन की लाइन कैसी होगी? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, दूसरा आता है आपका पैरेलल लाइंस के लिए। तो पैरेलल लाइंस के लिए आपका रेशियो होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ठीक है, तो अगर हमारी हमारा जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है उसके रेशियो इस रेशियो को मैच करते हैं, तो हमारी लाइन कैसी होगी? पैरेलल लाइन। और थर्ड है
इंटरसेक्टिंग जिसमें रेशियो इक्वल नहीं होता। ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ठीक है। ये रेशियो हमें बताएंगे कि हमारी हमारी इक्वेशन की लाइन कैसी बनेगी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लाइन क्लियर है, अगर हमारे पास केवल इक्वेशंस है, पेयर ऑफ इक्वेशन है, तो हमारे उनके रेशियो में बताएंगे, उनके कोफिशियंट्स के रेशियो में बताएंगे हमारी लाइन का, हमारी लाइन किस टाइप की है, ठीक है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब जैसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, जैसे मैंने बताया हमारे जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर लाइन के हिसाब से देखें तो सॉल्यूशन होगा जहां पर वो मीट करेगी, जहां पर हमारी लाइन मीट करेगी, ठीक है। तो अगर कोइंसिडेंट लाइंस को देखें तो जैसा कि मैंने बताया इनका हर पॉइंट दूसरी लाइन के कोरेस्पोंडिंग पॉइंट से मीट कर रहा है, यानी हर पॉइंट पे लाइन एक दूसरे से मीट कर रही है। तो इसका मतलब है कि इस लाइन के होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि जितनी भी लंबी हमारी लाइंस होंगी दोनों, वो हर पॉइंट पर मीट कर रही होंगी और हर पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा। इसीलिए अगर लाइन कोइंसिडेंट हैं तो हमारे उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, यानी बहुत ही सारे सॉल्यूशंस होंगे, हर पॉइंट उसका हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। पैरेलल लाइंस की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया ही कहीं पर मीट नहीं करेगी। अब कहीं पर मीट नहीं करेगी तो हमें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं मिलेगा, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पैरेलल लाइंस के केस में हमारे पास होता है नो सॉल्यूशन, यानी पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। लास्ट है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपको साफ साफ दिख रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये मीट कर रही है, इसीलिए इसका होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक यानी हमेशा अलग और एक एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो क्लियर है टाइप्स ऑफ लाइन, रेशियो में बताएंगे इक्वेशंस के, और उनका रेशियो यानी टाइप्स ऑफ लाइन हमें बताएगी उसके कितना सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। अब नेचर ऑफ इक्वेशन, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था नेचर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो अगर हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो हमारी इक्वेशन का नेचर है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और यहां पे भी हमारे पास सॉल्यूशन है, भले ही एक है लेकिन सॉल्यूशन है, तो ये कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये है आपका टाइप्स ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट और इक्वेशन का नेचर, ठीक है। ये चारों चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ को आगे पढ़ने के लिए। इन चारों चीजों से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि रेशियो की हेल्प से आप बताइए कि आपकी लाइन कैसी है, रेशियो की हेल्प से आप बताइए कि आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे हैं और इक्वेशन का नेचर क्या है, ठीक है। तो इन चारों पॉइंट्स को नोट कीजिए, तीन तरह की लाइंस हमारे पास हैं, ये तीन तरह की लाइंस हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन पॉइंट्स को नोट कीजिए, जैसे मैंने टेबल बनाया वैसे ही टेबल बना सकते हैं आप, ठीक है। कोइंसिडेंस, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइंस, उनके सॉल्यूशंस और उनके रेशियोज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपको एक्सरसाइज 3.2 में, ठीक है। तो इनको नोट कीजिए। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, जिनकी तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, इसको नोट कीजिए, चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहे आपके इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे जो आपको एक्सरसाइज 3.2 में देखने को मिलेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स हैव यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। एक तरह का क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, ऐसे ही पेयर्स के साथ आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछ सकता है जो कि सिमिलर है, जैसे कि यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें चेक करना है पेयर से कि हमारी इक्वेशंस की जो लाइन होंगी यानी उनके सॉल्यूशंस होंगे वो किस तरह के होंगे। हमें लाइन कौन बताएगा? हमारी इक्वेशंस के कोफिशियंट जो आपके सामने लिखे हुए हैं, और उस लाइन से हमें पता चलेगा कि हमारे किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे यहाँ पर, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, इक्वेशंस को जब आप रेशियो कंपेयर करते हैं तब आप उसे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर लिखें, जो है आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, यानी जो आपका कॉन्स्टेंट होगा वो आपकी एल एच एस में होगा और जीरो आपके आर एच एस में।
तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। अब पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, 2x प्लस 3y, 5 को इधर लाएंगे, -5 इक्वल्स टू 0, और x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, अब इसके साइन प्रॉपर है ए बी और सी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं, पहला पहले क्या करेंगे, a1 अपॉन a2, तो a1 यानी आपका 2 और a2 है आपका 1, पहले इक्वल का साइन लगाएंगे बाद में कंपेयर करेंगे। फिर आपका b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 यानी 3 अपॉन -3, ठीक है, साइन के साथ जरूर लिखेगा। c1 अपॉन c2 -5 अपॉन -3, माइनस इसलिए क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास प्लस है, ठीक है। अब जो आपके पास आएगा, अगर वो सिंपलीफाई हो रहा है आगे, तो आप उसे सिंपलीफाई कीजिए और फिर उसे चेक कीजिए। अगर इसे सिंपलीफाई करें तो 2 अपॉन 1 रहेगा, और ये आपका हो जाएगा -1 अपॉन 1 या फिर 1 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये जाएगा आपका 5 अपॉन 3। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरे जो तीनों रेशियोज हैं वो इक्वल नहीं है, इसीलिए मेरी जो इक्वेशन होगी उसकी लाइन होगी इंटरसेक्टिंग और उसके इक्वेशंस होंगे यूनिक सॉल्यूशन, उसका होगा एक यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आप नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह कम है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बस हमें क्या करना है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है अगर नहीं है, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। रेशियो कंपेयर करेंगे, तो पहला आपका 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू -3 अपॉन -6 इक्वल्स टू -8 अपॉन -9। आप चाहे तो यहां से पहले इक्वल्स टू के साइन हटा सकते हैं, ठीक है। तो अभी ने सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आपका 1 अपॉन 2, और यहाँ पे बस माइनस से माइनस कैंसिल होगा, आगे नहीं कटेगा। तो ये होगा आपका 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 और 8 अपॉन 9। तो मुझे दिख रहा है कि पहला वाला रेशियो हमारा सेम है, ठीक है। तो ये वाला केस किस में बनेगा, आपका पैरेलल लाइंस के केस में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जो हमारी लाइंस बनेंगी वो बनेंगी पैरेलल, और सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि पहले लाइंस कहीं मीट ही नहीं करेंगी तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं थर्ड की तरफ, ये ऑलरेडी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 0 RHS में है, तो डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 1 9, 9 2 18, 1 अपॉन 2, ये भी 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2, तो तीनों रेशियो इक्वल है, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसीलिए जो हमारी लाइन बनेगी वो बनेगी को इंसिडेंट, और हमारे होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो सिंपल था, अगर आपको पूछे कि हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे हैं या फिर हमारी टाइप ऑफ लाइन कैसी है, तो आपकी कोफिशिएंट्स का रेशियो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, जो मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होगा, तो वो होगा आपका कोइंसिडेंट लाइन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, पैरेलल नो सॉल्यूशन, और a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइन और यूनिक सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन 2, 3 और 6 में मिलेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए, और अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए टू टेस्ट योरसेल्फ। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस जो आपको करने हैं टू मेक योरसेल्फ मोर क्लियर इन दिस कॉन्सेप्ट। आपके पास 3 पेयर्स हैं, आपको आज के ही सिखाए हुए मेथड से चेक करने हैं इनके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 में। अगर आपके पास डाउट्स निकलते हैं इन क्वेश्चन से, इस एक्सरसाइज से, इस पूरे चैप्टर से, या फिर किसी और चैप्टर से, किसी और बुक से, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर उनकी पिक मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है।